बातों ही बातों में लोगों की बोलती बंद कैसे करें, बातों बातों में सामने वाले को चुप कैसे कराएं, अगर कोई भी बहस होती है तो उस बहस में हम 100% कैसे जीतें। और होता है ना, कई बार जब बहस होती है तब तो हमें पता नहीं चलता कि क्या बोलना चाहिए, घर जाकर याद होता है कि भाई हम ये भी बोल सकते थे, हम ये भी कर सकते थे, फिर उसके बाद टाइम निकल जाता है, कुछ रह नहीं जाता कहने को, है ना। फिर सोचते हैं अगली बार जब वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, कहने की बात होती है, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। तो ऐसा क्या करें कि हम अपनी हाजिर जवाबी से लोगों को शांत करवा दे, लोगों को चुप करा दे, उनकी बोलती बंद करवा दे, और बहस में जीते कैसे, बहस करना कैसे सीखें, सब मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखना है कि अपने फैक्ट्स को क्लियर रखो और अपने फैक्ट्स को हमेशा याद रखो। देखो होता क्या है कि जब हमें फैक्ट्स पता नहीं होते ना तो हम सामने वाले के सामने दब जाते हैं, वो क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, कितने बात में दम है, हम सब चीज में एग्री करते हैं और कुछ बोलने के लिए हमारे पास रह नहीं जाता। अगर कोई ज्यादा ही ज्ञान दे देता है ना कि तुझे पता है इस वाले सन में ना 1962 में ये हुआ था, तब तो इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, और अगर ये 2004 में भी ये हुआ था उस समय तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, और उस वाले केस में भी तो ऐसा ही हुआ था, ऐसे में भी तो ऐसा ही हुआ था, 99% लोग ऐसे करते हैं, 71.26% एक रिसर्च में आया है कि उसमें लोग ऐसे ही करते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है, फिलोसफी ये कहती है, उस ऑथर ने ये कहा था, उस गवर्नमेंट ने ये किया था, उसके नेता ने ये किया था, तुम हक्के बक्के रह जाते हो कि अब मैं क्या बोलूं, सामने वाले को तो बड़ा ज्ञान है और हमें भी नहीं पता कि उसने कितनी बात सच कही कितनी बात झूठ कही है, लेकिन हमें फिर भी मानना पड़ता है बिकॉज कि हमारे पास खुद के कोई फैक्ट्स नहीं है। तो कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट करो, कोई भी बहस करो, तो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स के लिए फैक्ट्स को तैयार रखा करो, अगर तुम कॉन्शियसली कर रहे हो तो। अब तुम पूछोगे कि भाई डेली बेसिस पे जो बहसबाजी हो जाती है, जो तू तू मैं हो जाती है, उसके लिए मैं कहां से फैक्ट्स लाऊं? तो देखो सिंपल सा तरीका है कि तुम्हें नहीं पता किस चीज पे तुम्हारी डिबेट होगी, आर्ग्यूमेंट होगा, बहस होगी, मगर एटलीस्ट तुम न्यूज से वाकिफ रह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जो डिबेट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, वो आजकल के डिबेट से ही होती है जो न्यूज चैनल पे चल रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग में वही चलता है और हम उसी पे बहस करते हैं। तो कोशिश करो कि न्यूज चैनल्स को देखा करो, और एक न्यूज चैनल को कभी जिंदगी में मत देखना, सारे न्यूज चैनल्स को देखो, चाहे वो तुम्हारे फेवरेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है चाहे उसके फेवर में, देखा करो, सबके ओपिनियंस देखो, उसके बाद खुद का ओपिनियन बनाओ, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, तभी किसी डिबेट को जीत पाओगे, है ना। इन्फ्लुएंस मत हो कि उसने ऐसा 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 कहा तो मैं ऐसा ऐसा बोलूंगा, नहीं, डिबेट में तुम तभी अच्छे बन सकते हो जब तुम फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन दोनों में बोलने के काबिल हो। किसी भी टॉपिक पे तुम्हें उसके अगेंस्ट में भी बोलना आना चाहिए, उसके फॉर द मोशन में यानी कि उसके फेवर में भी बोलना आना चाहिए, तभी तुम डिबेट अच्छे से कर पाओगे। मकसद हमारा सिर्फ यही नहीं कि हमें डिबेट को जीतना है, आर्ग्यूमेंट को जीतना है, मकसद हमारा ये भी है कि चाहे कैसा भी डिबेट हो, चाहे किस भी फेवर में हमें बोलना हो चाहे अगेंस्ट में बोलना हो, हम जीतेंगे ही जीतेंगे। डिबेट करने आने चाहिए, आर्ग्यूमेंट करने आना चाहिए। अब उसके अगेंस्ट में बोलना है, फेवर में बोलना है, वो तो तय होता है कि कब बोलना है, किसको बोलना है, किसके फेवर में बोलना है, किस दोस्त का साथ देना है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो हमेशा अपने फैक्ट्स क्लियर रखो, आजकल के जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं सबको देखो, चाहे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं सबको पढ़ो, अगेंस्ट है फेवर है जैसा भी है सबको पढ़ो, उसके बाद बोलो, है ना। और अगर तुम्हें लगे कि तुम जो डिबेट करने वाले हो, जो टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है लोगों में, और तुम्हें उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो प्लीज़ उससे दूर ही रहो, बेइज्जती करवाने का कोई फायदा नहीं है, चुप हो जाओ, लोगों को टाल दो मजे मजे में, अरे ठीक, अरे भाई तू जीत गया मैं हार गया, अरे बिल्कुल भैया तुम सब जानते हो हम भैया बेवकूफ़ हैं, भाई तुम सब जानते हो, ऐसे करके टाल दिया करो, इससे सामने वाले को लगेगा कि डिबेट करना ही नहीं चाहता, इसको आता तो सब कुछ है। तो अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा ये कि बोल दो भैया ठीक है हम नहीं करना चाहते, सामने से सुनो लोग कैसे डिबेट करें क्या करें, लोगों को ऑब्जर्व करना भी उतना ही ज़रूरी है, लोग कैसे डिबेट करते हैं, कैसे जीतते हैं, कैसे किसकी बात कौन सी चुभ रही है, कैसे उसने किसी एक टॉपिक को ऐसे घुमा दिया कि सामने वाले को पता ही नहीं चल पाया, कैसे उसने एक फैक्ट को क्लियर कर दिया, कैसे एक लॉजिक लगा दिया, लोगों को ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक आर्ग्यूमेंट में तुम अपना प्यार अड़ा ही दो, थोड़ा समझो कैसे डिबेट हो रही है क्या हो रहा है, तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि हमेशा सामने वाले के पर्सपेक्टिव को सुनने के लिए तैयार रहो। अब आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जब वो होती है, जब बहस होती है ना, तो हम अपनी बोलने में लगे रहते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं सामने वाले के सुनते ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हें देखने को मिल जाएगा जो ये प्राइम टाइम में जितने भी न्यूज़ चैनल्स में डिबेट्स होती है ना ब्रो, सब अपनी अपनी सुनाते हैं, ये कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा है वैसा है, इसने ये किया उस गवर्नमेंट ने वो किया, वो भी अपना चालू ये भी अपना चालू, किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अब वो क्या होता है, जो एंकर होता है वो जिसको फेवर करना होता है उसकी वॉल्यूम तेज कर देता है और दूसरे वाले की दबा देता है, तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में नहीं होता है जो हम नॉर्मल जीते हैं। देखो भैया ऐसा होता है कि सामने वाले को पहले सुन लो कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि उसी इंसान से तो तुम्हें डिबेट करनी है, तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कि सामने वाले के पास कितना ज्ञान है। अगर ज्ञान ज़्यादा है तो आपको थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा, और ज्ञान नहीं है तो तुम कुछ भी कैसे भी डिबेट करो तुम जीत ही जाओगे। ये चीज़ होती है, सामने वाले को परखना ज़रूरी है, सामने वाले की कितनी पकड़ है उस टॉपिक पर ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे तुम थोड़ी डिबेट लड़ने जाओगे। अपने ओपोनेंट की कमज़ोरी, उसकी ताकत सब आपको
पता होना चाहिए, तभी तुम किसी भी लड़ाई को, चाहे डिबेट हो, चाहे आर्गुमेंट हो, चाहे युद्ध हो, उसको जीत सकते हो। तो हमेशा देखो कि सामने वाला इस बात को कैसे कह रहा है, कितने इंटरेस्ट के साथ कह रहा है, कहाँ पर वो हड़बड़ा रहा है, कहाँ पर उसकी कमजोरी है, और जिस फील्ड में, जिस लॉजिक पे उसकी कमजोरी हो वहीं पर अटैक करो। अगर तुम्हें लगता है कि इसके ये वाले फैक्ट्स गलत है, तुरंत उसकी कमजोरी पकड़ो और बोलो, पहली बात तो ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ये नहीं, इसका आंकड़ा ये है। सामने वाला तुरंत दब जाएगा और तुरंत सोचेगा कि यार ये तो गलती हो गई, तो उसको साइकोलॉजिकली हिट किया, वो बंदा दब जाएगा और तुमको इजीली आसानी से एक मौका मिल जाएगा सामने वाले को दबाने का और आर्गुमेंट या बहस जीतने का। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखो। जब भी डिबेट करते हैं हम लोग तो हमेशा हम गुस्से हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। कई बार लोगों की आदत होती है कि डिबेट करते करते इतना चीखने लग जाते हैं, या कई लोगों की होती है कि इतना गुस्सा कर लेते हैं, और कई लोगों की तो सांस फूलने लग जाती है, वो आप ऐसे कैसे फिर बहुत सांस लेने लग जाएंगे। तो ये चीजें ज्यादातर होती हैं जब तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होता डिबेट करने का, या तुम डिबेट को या किसी आर्गुमेंट को दिल से ले लेते हो। दिल से नहीं लेना चाहिए ना, कई बार लोगों की दोस्ती टूट जाती है क्योंकि एक बहस हो गई थी। यार बहस बहस होती है, उसको हेल्दी कंपटीशन की तरह लो, हेल्दी आर्गुमेंट की तरह लो। लड़ना झगड़ना थोड़ी है इसमें, आराम से डिबेट करनी है, आर्गुमेंट करनी है। सामने वाला हारा जीता जो भी है, एक दिल को तसल्ली हो जाती है कि भैया मैं जीत गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए तो तुम सामने वाले को चिढ़ाओ कि अब हो गया ना, सामने से बोलियो मत, आगे से बोल मत दियो ऐसे, या तुम हार गए तो तुम भी सोचो कि अब क्या होगा, जिंदगी खराब हो गई, सब फालतू की बात है। दोस्ती अपनी जगह, ये हेल्दी डिबेट्स अपनी जगह होती हैं। हमने तो बहुत डिबेट्स किए, मैं तो बहुत डिबेट्स किए, कई बार हारा हूँ कई बार जीता हूँ, मगर कुछ सीखने को ही मिलता है। ये थोड़ी मतलब है कि दोस्ती तोड़ देंगे, बात करना छोड़ देंगे। बात करना छोड़ दिया कि उसने तो हरा दिया मेरे को, उसने ऐसी बात कह दी, सबके सामने बेइज्जती हो गई, अरे सब फालतू की बचकानी बातें हैं ना। तो सबसे पहले थोड़ा अपने इमोशंस को ना अंडर कंट्रोल रखो कि तुम क्या कह रहे हो। गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा सांस नहीं फुलानी है, ज़्यादा दिल से नहीं लेना है, तसल्ली से ठंडे दिमाग से समझना है, सीखना है कि सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं। और जब तुम ज़्यादा इमोशंस ले आते हो ना बीच में, तो तुम डिबेट नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम अपने इमोशन से सोच रहे होते हो कि इसने ऐसा कह दिया, फिर उसके फैक्ट्स भी तुम नहीं सुनोगे, तुम उसको कुछ भी बोलोगे, पर्सनल अटैक करोगे कि अच्छा तो बड़ा ये कर रहा है, अच्छा चल, फिर गाली बकने लग जाते हैं हम लोग। कई तुमने लोग देखे होंगे जो कुछ बोलने को जब उनके पास नहीं होता तो गाली बकेंगे, चिढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है ऐसे ऐसे करते हैं। लोगों की आदत होती है क्योंकि उनके बस की कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी चीज़ें करो, तुम ये गलती बिल्कुल ही मत करना, और अपने इमोशंस को आर्गुमेंट के बीच में मत लाना, और हार जीत जो भी हो उसको एक्सेप्ट करो, ना चिढ़ाना है ना चिढ़ना है। और लास्ट में मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनसे जितना बच सको उतना ही सही होता है, फालतू के आर्गुमेंट्स में बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी आप आर्गुमेंट देख रहे हो, बहस हो रही है, तो लोगों से इतनी आसानी से ट्रिगर मत हो जाओ। किसी ने आपको कुछ भी कह दिया तो आप बहस करने लग गए, उससे तू तू मैं करने लगे, इससे तुम क्या दिखाना क्या चाहते हो कि तुम उससे बड़े हो? क्या तुम उससे आर्गुमेंट जीत जाओगे तो तुम उससे बड़े सच में बन जाओगे? नहीं। लाइफ में कुछ कर लो, लोगों को बातों से जवाब मत दो, अपने एक्शन से जवाब दो। कुछ ऐसा लाइफ में कर लो कि उनको जवाब मिल जाए, है ना। मैं उन डिबेट्स की बात कर रहा हूँ, उन आर्गुमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो जो बहस होती है ना, जो होता है, यू नो, हो जाती है बातों बातों में, विवाद हो जाता है आसपास में दोस्तों में, अच्छा ये कर लिया, अच्छा तू दिखाना, तू करके दिखाना, ये क्या है वो? इन चीज़ों की कह रहा हूँ। अगर हेल्दी कंपटीशन हो रहा है, हेल्दी डिबेट है, हेल्दी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, ग्रुप में हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उसमें अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करो। कोई भी ग्रुप में किसी भी टॉपिक पे बात हो रहा है तो तुम भी अपने पक्ष रखो कि ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है, अच्छे से। अगर तुम्हें लगता है सामने वाला आया ही इस मकसद से कि बस वो बस बकवास करेगा और गाली बकेगा, उसको बोलो भैया राम राम, तुम बहुत सही हो, तुम बिल्कुल दब गया मैं तुम्हारे सामने, मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को। उसको बोलो भैया तुम बहुत सही हो, उससे फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से जितना तुम आर्गुमेंट से सकते उतना बचो, हेल्दी है तभी करो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं अब तो करना ही करना है, तो जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं उसको हमेशा याद रखना, अपने फैक्ट्स को क्लियर रखना, अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल में रखना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, सामने वाले को पहले सुनो कि वो क्या कह रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि इस आर्गुमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है तो ना ही पढ़ो, सामने वाले को नोटिस करो कि वो कैसे डिबेट कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तुम्हें उनकी कुछ कमजोरियां भी पता चलेंगी, सो दैट कि अगर अगली बार तुम्हारी उनके साथ कोई आर्गुमेंट हो, बहसबाजी हो, तो तुम्हें पता हो कि कैसे उनको दबाना है ना। और पर्सनल अटैक कभी भी नहीं करना है, लोगों क्या देती है पर्सनल माँ बहन पे जाने की, ये चीज़ें तो थोड़ा बचो। और एक मैं आपसे चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने जितने भी व्हाट्सएप में ग्रुप है ना उसमें ये वीडियो शेयर कर देना, आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा और मुझे बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो जाता है कि लोगों की हेल्प हो रही है।